आखिर क्यों अजनबी लोगों से संबंध बनाती है इस देश की लड़कियां? और साड़ी पहनकर मैदान में क्यों भाग रही हैं ये महिलाएं? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। इस दारू को पीने पर नहीं होगा हैंगओवर और नशा, अल्कोहल लवर्स के लिए है बेस्ट। और क्या आप जानते हैं कि नीम में होने के बावजूद भी टहनी से नीचे क्यों नहीं गिरते हैं पक्षी? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर वन, दुनिया में बहुत से लोग शराब पीते हैं जो अक्सर ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और फिर उनका अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं कई लोगों को शराब पीने के बाद अगले दिन हैंगओवर रहता है, जिसकी वजह से रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत होती है। अगर हम आपसे कहें कि मार्केट में जल्द ही एक ऐसी शराब आने वाली है जिसे पीकर इंसान को ना तो नशा होगा और ना ही हैंगओवर, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? इस नशा फ्री शराब का नाम एल्कारेल रखा गया है, जिसे पीने पर इंसान को नशे या हैंगओवर जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इस शराब को पीने पर व्यक्ति को हल्की सी मदहोशी महसूस होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा नशे में नहीं होगा और ना ही उसे उल्टी या फिर चक्कर आने जैसी समस्या होगी। इस शराब को पीने के बाद सिर्फ 15 मिनट तक हल्की मदहोशी महसूस होती है, जिसके बाद शराब का असर कम होने लगता है। एल्कारेल को पीने से शरीर पर बुरा असर नहीं पड़ता है, जबकि ये ज्यादा ड्रिंक करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन शराब साबित हो सकती है। इस नशा फ्री शराब को साल 2025 तक मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, हालांकि इसके लिए अभी तक किसी आधिकारिक डेट का ऐलान नहीं किया गया है। फैक्ट नंबर टू, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ के नियम कानून सुनने के बाद सख्त से सख्त इंसान के कानों से भी खून निकल आता है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत हेसन शहर में अनिश्चितकालीन लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन कोरोना या फिर किसी सैन्य अभियान की वजह से नहीं लगाया गया है, बल्कि इसका मकसद सेना की 653 खोई हुई बुलेट्स यानी गोलियों को खोजना है। दरअसल हाल ही में नॉर्थ कोरिया के सैनिक एक सैन्य अभियान से वापसी कर रहे थे, इसी दौरान हेसन शहर में 653 बुलेट्स गुम हो गईं। जब किम जोंग उनको बुलेट्स गायब होने की खबर पता चली तो उन्होंने तुरंत हेसन शहर में लॉकडाउन लगा दिया। इसके साथ ही सेना और पुलिस को आदेश दिया गया कि वो जल्द से जल्द खोई हुई बुलेट्स को ढूंढ निकाले, जबकि इस दौरान हेसन शहर के लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इस लॉकडाउन को लगे कई दिन गुजर चुके हैं, जबकि हेसन शहर में 2,00,000 लोगों की आबादी रहती है, लेकिन अब तक सेना को खोई हुई बुलेट्स नहीं मिल पाई हैं, जबकि किम जोंग उन के आदेश के अनुसार जब तक खोई हुई गोलियां नहीं मिल जाती हैं, तब तक शहर से लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। इतना ही नहीं, बुलेट्स को ढूंढने के लिए हेसन शहर में आम लोगों के घर घर जाकर तलाशी ली जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन वो चाहकर भी किम जोंग उन के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। जब तक खोई हुई गोलियां नहीं मिल जाती हैं, तब तक हेसन शहर के लोगों को जबरदस्ती के लॉकडाउन का पालन करना होगा। फैक्ट नंबर थ्री, भले ही दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमियों की कोई कमी नहीं है, जिसके एक मैच में लाखों दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन इस खेल को एक नए स्तर पर ले जाने का काम ग्वालियर की महिलाएं कर रही हैं, जहां 25 साल की भाभी से लेकर 50 साल की आंटी तक सूट और साड़ी में फुटबॉल खेलती हैं। दरअसल ग्वालियर में गोल इन साड़ी नाम की अनोखी फुटबॉल प्रतियोगिता करवाई गई है, जिसमें महिलाएं साड़ी और सूट पहनकर मैदान में बॉल के पीछे भागते हुए नजर आ रही हैं। गोल इन साड़ी प्रतियोगिता में 8 से ज्यादा महिला टीमों ने हिस्सा लिया है, जबकि इस मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस फुटबॉल टूर्नामेंट को करवाने का मकसद नारी शक्ति को बढ़ावा देना है, जो साड़ी पहनकर सिर्फ घर और किचन ही नहीं संभालती हैं, बल्कि खेल के मैदान में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं। वहीं इस फुटबॉल प्रतियोगिता के जरिए ग्वालियर की महिलाओं का टैलेंट दुनिया के सामने आ रहा है, जो नारी साड़ी में भी भारी है की टैगलाइन को प्रमोट करती है। फैक्ट नंबर फोर, आप में से बहुत से लोगों को स्पेस के बारे में जानकारी लेना पसंद होगा, जबकि कई लोग अपने जीवन काल में एक बार अंतरिक्ष की सैर भी करना चाहते होंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आम लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, जिसके तहत साल 2030 तक आम इंसान स्पेस की सैर कर सकेगा। इस अभियान के तहत इसरो अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है, ताकि आम लोगों की स्पेस में दिलचस्पी और जिज्ञासा को बढ़ाया जा सके।
हालांकि स्पेस की सैर करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको लाख नहीं बल्कि 6 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा इसरो ने अभी ये खुलासा नहीं किया है कि इस अंतरिक्ष टूर के दौरान इंसान कितनी देर तक स्पेस में रहेगा और उसे क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी वैज्ञानिक रिसर्च वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि साल 2030 तक भारतीय नागरिक स्पेस की सैर कर सकेंगे, जिसके लिए आप आज से ही पैसे इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपके लिए ये फैक्ट काफी जरूरी साबित हो सकता है। दरअसल भारत सरकार ने देश में 4G फोन की प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से मार्केट में जल्द ही 10,000 या फिर उससे ज्यादा कीमत वाले 4G फोन की बिक्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी। सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकार 4G फोन पर रोक क्यों लगा रही है, तो इसकी वजह है 5G नेटवर्क सर्विस। हमारे देश में कई बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने 5G नेटवर्क की शुरुआत कर दी है, जिससे ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मिलती है। लेकिन इस 5G इंटरनेट सर्विस को 4G फोन में नहीं चलाया जा सकता है, जबकि देश में बहुत सारे लोग 4G फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से 5G के ग्राहकों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसे कम करने के लिए सरकार कम कीमत वाले 4G फोन के प्रोडक्शन पर रोक लगा रही है। ऐसा करने से आम ग्राहक 5G फोन खरीदेंगे, जिसमें वो हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का लाभ उठा सकते हैं और इससे टेलीकॉम कंपनियों की भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। यही वजह है कि इस साल के आखिर तक मार्केट में 4G फोन की बिक्री ना के बराबर होगी, जबकि ग्राहक को नए फोन में 5G सर्विस मुहैया करवाई जाएगी। फैक्ट नंबर 6, धरती से रात के समय आसमान की तरफ देखने पर आपको खूबसूरत सा चांद जरूर नजर आता होगा, जिसके ऊपर कई शेरो शायरियां और गाने लिखे गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा की भी अपनी एक स्मेल यानी महक होती है, जिसे वहां जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों ने फील किया है। नासा के वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा की महक काफी हद तक बारूद जैसी महसूस होती है, जो शायद इससे टकराने वाले उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की वजह से पैदा हुई है। इसी तरह वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष की एक महक होती है, जो बंदूक से गोली चलाने के बाद हवा में फैलने वाली हल्की बारूद की महक जैसी महसूस होती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि धरती पर चीजों और जीवों के अलावा अंतरिक्ष और चंद्रमा के पास भी अपनी एक खुशबू है, जिसके निर्मित होने के पीछे की असल वजह कोई नहीं जानता है। फैक्ट नंबर 7, इंडोनेशिया घूमने फिरने के लिहाज से एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जबकि यहाँ के लोग प्राचीन रीति रिवाजों में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में हर 35 दिन बाद सेक्स फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों लड़कियां अजनबी लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। इस फेस्टिवल को गुनुंग कैमुकस नाम के पहाड़ पर मनाया जाता है, जिसे आमतौर पर सेक्स हिल के नाम से जाना जाता है। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले लड़के और लड़कियों का मानना है कि पहाड़ी पर अनजान शख्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने से उनका नसीब अच्छा होता है, जिसकी वजह से उन्हें जीवन में हर मनचाही चीज मिल जाती है। कहा जाता है कि इस फेस्टिवल की शुरुआत आज से कई साल पहले हुई थी, जब एक राजकुमार अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ा गया था और उस राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राजकुमार के शव को गुनुंग कैमुकस पहाड़ पर दफन कर दिया गया था, जिसकी याद में लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये फेस्टिवल एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान होता है, जो हर 35 दिन में होता है और इसमें आने वाले लोगों को तीर्थ यात्री माना जाता है। आपको बता दें कि इस फेस्टिवल के दौरान आसमान में चांद नहीं होता है, जिसकी वजह से रात के समय में काफी ज्यादा अंधेरा होता है। लोग अपने अनजान पार्टनर के साथ जंगल में देवदार और अंजीर के पेड़ों के नीचे चटाई बिछाते हैं और कैंडल की रोशनी में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोग अपनी बुरी किस्मत को सुधार सकें। फैक्ट नंबर 8, वैसे तो पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, लेकिन जब बात सोने की आती है तो वो किसी पेड़, टहनी या फिर तार पर बैठकर सोते हुए नजर आते हैं। लेकिन नींद में होने के बावजूद भी पक्षी कभी पेड़ की टहनी से नीचे नहीं गिरते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? आमतौर पर जब एक इंसान बिस्तर पर सोता है तो अक्सर नींद में करवट बदलते वक्त वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पक्षियों की गहरी नींद सिर्फ 10 सेकंड की होती है। इसके अलावा पक्षियों के दिमाग का एक हिस्सा सोते समय भी एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से वो नींद में भी स्थिति को भांप सकते हैं। वहीं कुछ पक्षी सोते समय अपनी एक आंख खुली रखते हैं, ताकि वो अपने आसपास दुश्मन पर नजर रख सके। पक्षी नींद में होने के बावजूद भी अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी रखते हैं, जिसकी वजह से वो टहनी या तार से नहीं गिरते हैं।
इसके अलावा पक्षियों के पंजों की बनावट बहुत ही अच्छी होती है, जो पेड़ या तार को किसी लॉक की तरह पकड़ लेते हैं। जब पक्षी नींद में सो रहा होता है तो उनके पैर मजबूती के साथ टहनी और तार को पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से नींद में होने के बावजूद भी पक्षी नीचे नहीं गिरते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रकृति ने हर जीव को कोई न कोई क्षमता दी है, जिसकी वजह से सोने, खाने और रहने में कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।